बेड पे लेट जाओ। आप यहाँ सो जाएं। रोज मैं आपके बेड पे कब्जा कर लेती हूँ और आप इस छोटे से सोफे पर सोते हैं। कोई बात नहीं, किसी और को मुश्किल में डालने से बेहतर ही होता है इंसान खुद को मुश्किल में डाले। सोचो, बातें तो आप भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्यों, कोई और भी अच्छी बातें करता था? अरे तुम्हारा दोस्त क्या नाम था यार, उसका नाम भूल गया, नाम याद नहीं आ उसका रहा। जिक्र जरूर लाते हो हमेशा। पता था मुझे यही होने वाला है। बीच में लेके नहीं आता, वो तो हमेशा से हमारे बीच में मौजूद है, यही तो सारा मसला है। वो मेरी जिंदगी का साया बाप है जिसे मैं चाहकर भी माजी से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहा था कि इस रिश्ते से इनकार करते। खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई है। आप मर्द हैं, तोड़ दें रिश्ता। कैसी लड़की हो तुम, तलाक की बात करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, अगर इस बात से ज्यादा लगता है कि मैं एक बार फिर धोखा खाऊंगी और वो मर्द आप होंगे। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ठीक है, मैं बहनी हूँ और पागल भी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई उम्मीद है कि मैं आपकी तरफ मायल हो जाऊंगी। फिर बताएं, एक छोटे रिश्ते को लेकर दुनिया वालों के सामने ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नूरम, जिनके सामने ड्रामा करें वो दुनिया वाले नहीं, पर हमारे लिए पूरी दुनिया है। ओके, फिर मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि आपके पेरेंट्स को भी मुझसे नफरत होने लगेगी। बहुत सिद्धी और बहुत बेवकूफ लड़की। इंसान जिस शाख पे बैठता है ना, कम से कम उसको काटने की कोशिश नहीं करता। अगर तुम वही कर रही, आने दो मेरे पेरेंट्स को, अब तभी कोई फैसला होगा। तुम सोच सकती हो, कम से कम इतना भरोसा तो कर सकती हो कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नाउ प्लीज। तुम कुछ खा लोगी ना तो फिर तुम्हें दवाई दूंगी, खाली पेट तो मैं भी तुम्हें दवाई नहीं दूंगी। क्या हुआ चाय का? जी अम्मी, बस वो ला रही है। मेरे अल्लाह, कहने में उसने इतनी देर लगा दी, अगर बनाने खड़ी हो जाती ना तो फिर कल ही हमें चाय मिलती। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखा कितनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आ गया। मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। जी वो नूर ने खाना खाया, तंग तो नहीं किया उसने आप लोगों को? अरे बेटा, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो खाने पीने का कहाँ दिल चाहता है। थोड़ा सा सूप पिया है इसने, जब बेहतर फील करेगी तो कुछ और खा लेगी। तुम परेशान मत हो ना। अम्मी आपको पता है, सुबह से वासी भाई ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्यों, क्या हुआ? हर 5 मिनट बाद कॉल करते और पूछते नूर कैसी है, इसने कुछ खाया के नहीं। लगता है बहुत फिक्र है अपनी बीवी को। कुछ लोग प्रिटेंड भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नूर, तुम्हारा रिश्ता वासिफ के साथ प्यार मोहब्बत का है, वो तुम्हारा शोहर है, जरा सोच समझ के बात किया करो। आंटी आप चाय पी रहे तो मैं आपको घर छोड़ कर आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आजम भी घर आने वाले होंगे। मैं तो नूर से भी कह रही हूँ कि मेरे साथ घर चले, मगर नहीं अम्मी, आप चली जाएं, मैं यही रहूंगी अपने घर में। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।